नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्रावण मास के कावड़ मेले में हरिद्वार से गंगा जल भरकर पैदल कावड़ लेकर शुक्रवार की शाम मुजफ्फरनगर जनपद के नगर में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का। जहाँ नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने नगर के हृदय स्थली शिव चौक पर पहुंचकर भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक कर अपनी यात्रा संपन्न की। दरअसल आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जनपद की सुख और समृद्धि के लिए चार दिन पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हरिद्वार से गंगा जल भरकर कावड़ उठाई थी, जिसके चलते केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान अपने लाओ लश्कर के साथ पैदल कावड़ लेकर मुजफ्फरनगर जनपद के नगर में पहुंचे, जहां पर जगह जगह मंत्री संजीव बालियान का जनता ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं नगर के शिव चौक पर पहुंचकर सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ट्रेन पर चढ़कर त्रिशूल लेकर जनता और कावड़ियों का जोरदार स्वागत करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। और इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने अपनी पत्नी के साथ पहले भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना की और उसके बाद गंगा जल चढ़ाकर अपनी कावड़ यात्रा पूर्ण की। इस दौरान संजीव बालियान ने मीडिया से बात करते हुए यूसीसी पर बोलते हुए कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से रास्ते में बात की है, जिसमें ज्यादातर लोग चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो और उत्तराखंड सरकार ने पहल कर दी है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक देश एक कानून होगा, तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही यूसीसी लागू होगा। चार दिन पहले हरिद्वार हर की पैड़ी से जल लेकर चला था, पूरे रास्ते लोगों का प्यार मिला और अपने शहर में आकर, चूंकि मेरा कावड़ लाने का प्रयोजन इस शहर के सुख समृद्धि है, पूरे शहर ने प्यार दिया। आज ऐसा लगता था कि पूरा शहर गंगा जल चढ़ाने के लिए शिव चौक पहुंच रहा है। पूरे जनता का बहुत बहुत आभार अभिनंदन, ये सबकी तरफ से कावड़ थी, ये कावड़ कोई मेरी तरफ से नहीं थी, सभी मुजफ्फरनगर वासियों की तरफ से शिव चौक को चढ़ाई गई। पूरे रास्ते लाखों लोगों से मिला, पूरे रास्ते यूसीसी के ऊपर बातचीत के लोगों से, 100 के 100% चाहते हैं कावड़ में जो लोग थे कि देश में यूसीसी लागू हो। उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक देश एक कानून, और मुझे उम्मीद है कि देश में यूसीसी लागू होगी। कब तक उम्मीद करें, कब तक हो सकता है ये समय सीमा, माननीय प्रधानमंत्री बता पाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा विधि आयोग ने सुझाव आमंत्रित किए हैं, 15 लाख सुझाव जा चुके हैं, केंद्र सरकार इस पर अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी। आपने लोगों से बात की, किस तरह का अनुभव आपको मिला? सभी लोगों की तरफ से बेहद सकारात्मक इसके प्रति व्यवहार था, सब ने कहा कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने परंपरागत जो धार्मिक खेपो हैं उनमें कुछ करना कुछ छोड़ना पड़ेगा, जिससे एक कानून देश में बन पाए। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये पूरे देश के पक्ष में। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।